बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेटिव टीवी में मैं आपका एक दफा फिर वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए डोक मुकरब के एरिया में 3 मरले का डबल स्टोरी न्यू कंस्ट्रक्शन घर लेकर आयूं। इसकी मजीद डिटेल बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन में क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज बर वक्त बासानी इजिली नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सकें, कैमरा में दिखा सके। तो फ्रंट एलिवेशन है, प्लंथ भी अच्छा है, गाड़ी इजीली एंटर हो सकती है। इसके अलावा अंदर का सारा आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये फ्रंट एलिवेशन अगेन आपको सारा चेक करवाते हैं, विथ भी आप चेक कर सकते हैं इस घर की, ये चेक करें जी। और ये न्यू कंस्ट्रक्शन है घर, अभी घर के अंदर एंटर होंगे हम, गेट का आप व्यू चेक कर सकते हैं। ये अगेन फ्रंट एलिवेशन दिखा के, गैस भी बहुत पास है, जूम करके आपको चेक करवाते हैं। यहाँ तक गैस अवेलेबल है जी, ये देख सकते हैं आप, इससे लेफ्ट साइड या यहाँ से भी रास्ता आ रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट डाउन भी ये रास्ता सामने ही निकलता है। राइट साइड पे मस्जिद है, लेफ्ट साइड से भी ये 2 से 3 डिफरेंट स्ट्रीट्स को ये रास्ता, आगे पीछे आबादी भी चेक कर सकते हैं। इस साइड पे भी न्यू कंस्ट्रक्शन सारी है ये देखें जी। घर के अंदर एंटर होंगे, आपको अंदर का व्यू चेक करवाते हैं हम। तो ये कार पोर्च है, गाड़ी आल्टो महरान ईजिली यहाँ पर खड़ी हो सकती है, देख सकते हैं। वॉल के अंदर इन्होंने डिजाइनिंग की है, साइड पर पैनलिंग डिजाइन, ऊपर सीलिंग जबरदस्त, रोब लाइट, सीलिंग डिजाइन और कार पोर्च में इन्होंने फैन का सेटअप सारा रखा हुआ है, ये देखें जी। गाड़ी वगैरह अगर वॉश करें तो फैन का इन्होंने सारा सेटअप रखा हुआ है, नीचे मार्बल का इस्तेमाल, साइड पे ब्लैक पट्टी और ये सामने कार पोर्च में इन्होंने ये यूटिलाइज किया हुआ है स्टेयर्स को, इन्होंने वॉशरूम रखा हुआ है और राइट साइड पे ही ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का आपको व्यू चेक करवाते हैं जी, नीचे पत्थर का इस्तेमाल, साइड पे ब्लैक पट्टी और ये सीलिंग डिजाइन चेक करें। ड्राइंग रूम में आप सोफा सेट इजीली रख सकते हैं, बाहर वाली साइड पे इन्होंने विंडो रखी हुई है और ये वॉल के अंदर इन्होंने डिजाइन रोब लाइट, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद अगेन कार पोर्च में और इसके बाद हम टीवी लॉन्च में चलेंगे। टीवी लॉन्च में नीचे पत्थर का इस्तेमाल है और ये ओपन किचन है, इसको वैसे आप क्लोज भी कर सकते हैं, यहां पर आप एक पर्दा लगा लें इस तरह पाइप लगा के, तो ये क्लोज किचन हो जाएगा। ये आप इसको एज अ टीवी लॉन्च भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे अगर एलसीडी लगाएं या यहाँ पे एलसीडी लगा के आप चेयर्स वगैरह रख के या सोफा सेट रख के आप इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। 3 मरले का डबल स्टोरी घर है जी, एक रूम ये है, इस रूम का भी आपको व्यू चेक करवाते हैं। सीलिंग डिजाइन निहायत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने मैनेज की हुई है, वॉल के अंदर डिजाइनिंग, साइड पे पैलिंग डिजाइन, इसके साथ अटैच वॉशरूम, ये अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में भी इन्होंने सीलिंग करवाई हुई है और प्लस यह के रोब लाए, नीचे टाइल का इस्तेमाल जबरदस्त और ये देखें जी, प्लस यह है कि इन्होंने स्टार एशिया के लगाए हुए हैं, ये एक्सेसरी सेट स्टार एशिया के देख सकते हैं आप। देन हम अगेन, और ये वेंटिलेशन है ओटीएस, ये देख सकते हैं आप, ये वेंटिलेशन है, जबरदस्त तरीके से इन्होंने वेंटिलेशन निकाली हुई है जी। देन हम एक और चीज आपको बताता चलूं, तो किचन की भी वेंटिलेशन इन्होंने इस साइड पे निकाली हुई है, ये देखें, एक्स्ट्रा पाइप वगैरह सारा। अभी फर्स्ट फ्लोर का व्यू चेक करवाता हूं आपको। तो ये स्टेयर्स है, थोड़ी सी फास्ट वीडियो बनाऊंगा लेकिन आप फिजिकली विजिट करेंगे और मजीद डिटेल बता दी जाएगी। ये सीलिंग डिजाइन फर्स्ट फ्लोर पे, देन ये टीवी लॉन्च, लेफ्ट साइड पे एक रूम है, इसका भी आपको थोड़ा फास्ट व्यू चेक करवाते हैं लेकिन आप जब विजिट करेंगे तो आपको मुझे डिटेल बता दी जाएगी। इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम भी है जी, ये देखें ये वॉशरूम है और ये दूसरे रूम में भी इसका रास्ता जा रहा है इन इस साइड से, सॉरी ये टीवी लॉन्च में। ये जो वॉशरूम है ये इस रूम के साथ अटैच है, इस रूम के साथ, देन ये ही वॉशरूम टीवी लॉन्च के साथ, यानी कि एक वॉशरूम दोनों, और ये ओपन किचन है जी, ओपन किचन, इसको भी आप क्लोज कर सकते हैं। ओटीएस बाहर वाली साइड पे, गैलरीज का भी व्यू चेक करवाएंगे, कैबिनेट वगैरह बने हुए हैं और एक ये रूम है, इस रूम का भी आपको व्यू चेक करवाते हैं, ये देख सकते हैं सीलिंग डिजाइन, वॉल के अंदर हर रूम में ऑलमोस्ट वॉल डिजाइन इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ी खूबसूरत ये वॉल डिजाइनिंग है, इन साइड ही है इन्होंने सीमेंटेड और ईंटों के साथ इन साइड का सारा ये डिजाइन बनाया हुआ है। ये सीलिंग डिजाइन, इन साइड से आउटसाइड का व्यू देख सकते हैं आप। देन एक ये रूम है, ये आपको चेक करवाया, अगेन चेक करवा देते हैं, ये देखें जी, इसके साथ वॉशरूम, वॉशरूम ये टीवी लॉन्च के साथ भी। अभी टॉप पे चलते हैं जी, स्टेयर से
और आप डिमांड बता दूं कि ओनर इस प्रॉपर्टी की डिमांड क्या कर रहा है, ये आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे रख सकते हैं। मुंटी है, ये सारा बाहर का व्यू है जी। 3 मरले का डबल स्टोरी घर है, और ये देखें जी, ये सारा बाहर का व्यू है। आगे पीछे बादी देख सकते हैं आप। अब आपको इसकी प्राइस कोट करते हैं। तो जी नाजरीन, ईच एंड एवरीथिंग आपको ब्रीफ कर दिया, आप इस चीज के मुंतजिर होंगे। आपको पता है इस प्रॉपर्टी की ओनर डिमांड क्या कर रहा है। 3 मल्ले का डबल स्टोरी घर, डोक मुकर्रर, प्राइम लोकेशन पे, 3 से 4 डिफरेंट स्ट्रीट्स आती हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको ब्रीफ कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी की ओनर की डिमांड है 62 लाख, निहायत रीजनेबल प्राइस, क्योंकि न्यू कंस्ट्रक्शन है, मटेरियल अच्छा लगा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग आपको ब्रीफ कर दिया, टाइल मार्बल का इस्तेमाल है, टोटल रूम आपको बता दिए हैं, उसके अलावा वॉशरूम और गैलरी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग ब्रीफ कर दिया है। 62 लाख डिमांड है, और ऑब्वियसली माइनर से अगर ना भी कंसेशन हो तब भी रीजनेबल है, लेकिन कोशिश होगी जब बयाने के ऊपर बात आती है तो उसमें कंसेशन फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कोशिश होगी कि आपको करवा ली जाए। तो स्क्रीन के ऊपर नंबर ब्लिंक कर रहा है, रब्ता करें, जो चीज़ स्किप होगी, मिस होगी, वो आपको बता दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाजत दें, खुदा हाफिज़।